जमानत पर था। भोपाल से सांसद चुने गए आलोक शर्मा के बंगले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुजूम पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने आलोक शर्मा को मिठाई खिलाई, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल के विकास के लिए मैंने प्लान तैयार करके रखा है, उस प्लान के हिसाब से भोपाल का विकास किया जाएगा। राजधानी भोपाल में एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 5 लाख से अधिक वोटों से आलोक शर्मा जी जीते हैं और जनता ने उनको बंपर प्यार दिया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर सर बड़ी जीत आपको जनता ने दी, एक आशीर्वाद दिया। आप लगातार अपने एक्शन प्लान को लेकर हम लोगों की बात होती थी, अब आपको आशीर्वाद मिल गया है, भोपाल के विकास को लेकर क्या एक्शन प्लान? भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भोपाल की जनता ने ही अभी तक के सारे जीत के रिकॉर्डों को स्वयं ध्वस्त किया है और भोपाल के बेटे को 5,01,499 मतों से अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना इसने अपना आशीर्वाद दिया। मैं भोपाल की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आज भोपाल में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन नेतृत्व के कारण और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद के कारण हुई है। अब बहुत ही जल्दी मैं दिल्ली भी जाऊँगा, सांसद के रूप में शपथ भी लूँगा। इसके बाद आने के बाद मैंने भोपाल का विकास का रोड मैप तैयार किया है। अब भोपाल का बेटा सांसद के रूप में भोपाल के हर मोहल्ले गली में आपको सक्रिय नजर आएगा और बिल्कुल बेबाकी के साथ भोपाल का और बेहतर डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में हम विकास का रोड मैप बना के काम करेंगे। आप अक्सर कहते रहे हैं कि यहाँ अगर बात करें तो भोपाल जो अन्य राजधानी जितनी डेवलप हुई उतनी नहीं हो पाई है, तो एक बेहतर राजधानी बने भोपाल, उसको लेकर किस तरीके से काम करें? देखिए, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मेरा मानना है कि भोपाल राजधानी काफी पहले बन गया, परंतु भोपाल का जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। देश में कई राजधानी ऐसी हैं जो भोपाल के बाद में बनी, वहाँ तेजी से विकास हो गया, वहाँ आखिर कौन सा विकास का मॉडल है, उस मॉडल का अध्ययन करूँगा। आखिर वो कौन से अधिकारी लोग हैं, वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो भोपाल का डेवलपमेंट रोकते हैं। अब भोपाल का बेटा सांसद बन गया है, अब भोपाल के डेवलपमेंट को कोई अधिकारी भी नहीं रोक पाएगा। अब सबको साथ में लेके भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे पार्षद हों, चाहे महापौर हों, सम्मानी विधायक हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर सबको एक फोरम पर लाऊँगा। आए और हम सब लोग मिलकर 2024 में ये संकल्प लें कि हमारा भोपाल को भी विकास और डेवलपमेंट के पंख लगे और हमारा भोपाल भी विकास की दौड़ में सबसे आगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आलोक शर्मा जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि भोपाल के विकास को लेकर उनका रोड मैप तैयार है और कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो बिल्कुल निराधार है। कैमरा मोहसिन के साथ सैलन सिंह, भोपाल। विदिशा से बड़ी जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आभार रैली निकाली, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। मुंबई समेत कई जगहों पर एनडीए की जीत पर होर्डिंग लगे। एकनाथ शिंदे की परछाई के सामने खड़े व्यक्ति को ऑटो रिक्शा वाले के कपड़ों में दिखाया गया, वहीं मोदी की परछाई के सामने चाय वाले बच्चे की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में लिखा है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ऑटो रिक्शा वाला मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता सांसद, यह है नया हिंदुस्तान। और घटने से खबर, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ, पीयूष सरावगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गाड़ी में कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ था, माधवनगर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज है, पुलिस कल उसे कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि पीयूष सरावगी जमानत पर था। सीमेंट फैक्ट्री में रोजाना की तरह पावर यूनिट के हेड आए, सुबह का वक्त था लेकिन कुछ देर बाद ही ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल दहलाने वाली थी। फैक्ट्री में पावर यूनिट के हेड की हत्या कर दी गई, आखिर हत्यारा कौन है, दुर्ग में इस कत्ल के पीछे क्या इंतकाम की कहानी है, देखिए। इस सीमेंट फैक्ट्री में जो खूनी खेल खेला गया वो दिल दहलाने वाला है। पीछे से शख्स पर वार किया गया। दुर्ग के जामुल थाना इलाके में सीमेंट फैक्ट्री में पावर यूनिट के हेड बाला राजू राव की बहरहमी से हत्या कर दी गई।
हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। वार्ड नंबर 15 राजीव नगर के रहने वाले बाला राजा राव रोजाना की तरह फैक्ट्री आए। सुबह का वक्त था, उसके बाद जख्मी हालत में उनका मिलना। इस कत्ल में क्या किसी रंजिश की कहानी है? हमलावर कोई बाहरी है या फिर फैक्ट्री का कोई कर्मचारी? जिस तरह से वहाँ क्राइम सीन था उससे स्पष्ट ये हो गया था कि ये जो मामला है वो हत्या का मामला प्रतीत होता है। बाद में चूँकि मृतक जो था वो HOD था अपने डिपार्टमेंट का, तो उनके माथा जितने लोग काम कर रहे थे उनसे पृथक पृथक बयान लिया गया, उनसे संवाद किया गया और घटना के दरमियान उनकी उपस्थिति को पूछा गया और एक्टिविटी को भी उनसे बारीकी से पूछताछ की गई। सीन ऑफ क्राइम इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था, लेकिन इंतकाम किस बात का? इस बीच कर्मचारियों से पूछताछ हुई, आखिरी बार कौन कौन बाला राजू राव के साथ नजर आया था। चार लोग पुलिस के शक के दायरे में थे जिनसे पूछताछ हुई। इस बीच एक और बात पुलिस को पता चली, बाला राजू राव के अंडर काम करने वाला एक कर्मचारी उनसे बदला लेना चाहता था। जीरोइंग करने के माध्यम से ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो CHP में कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में काम करता है, जो उनके माथा काम करता है, वो पहले से इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की या मृत्यु कारित करने की अब वो रखता था, एक आशा रखता था, अपेक्षा रखता था। तो उसने फिर इस घटना को जो 15 मिनट का समय था जब मृतक ब्रीफिंग कर रहा था उस बीच में इस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसने शुरुआती पूछताछ में ये बात बताई कि वो मृतक की प्रताड़ना से तंग आ गया था। अब इस मामले में जांच जारी है, आखिर कत्ल के पीछे मोटिव क्या था। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक ऐसी खबर जो हैरान करेगी, क्योंकि वो मास्क पहनकर आता है, काली जैकेट उसकी निशानी बताई जाती है और छोड़ जाता है वो निशान। मैसेज वाले चोर की ये अजब कहानी है, देखिए सर। जो इसमें लिखा था कि मुझे पकड़ नहीं सकते या फिर मिलेंगे, जब जब इसका पैसा खत्म होता था उसके बाद ये अगला टारगेट फिक्स करता था। उसकी पहचान बस यही थी कि वो काले जैकेट पहने CCTV में नजर आया, तीसरी आंख में कद काठी कैद हुई, लेकिन चेहरा नहीं। चेहरे पर सफेद रंग का मास्क, ऐसे दीवार फांद कर कूद कर चोरी की वारदात करता, जिसे 2 साल में 1-2 नहीं बल्कि 8 वारदात की। बेखौफ इतना कि पुलिस को जाते जाते चैलेंज भी करता कि पकड़ सको तो पकड़ लो, यही नहीं चैलेंज भी की फिर मिलेंगे। सुनिए, शक्ति नगर में सिलसिलेवार जो चोरियां हो रही थी और पुलिस को इसमें चैलेंज भी किया जा रहा था कि आप मुझे पकड़ कर बताएं, इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है साइबर टीम और थाना स्तर पर विभिन्न टीम करके मुखबिर सूचना संकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस काली जैकेट वाले चोर की असली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए जरा इन जनाब को वारदात के वक्त पुलिस के लिए चैलेंजिंग मैसेज छोड़ने वाला चोर पुलिस गिरफ्त में आया तब भी इसकी निगाहें कहाँ है? पुलिस अधिकारी मोबाइल में क्या कर रहे हैं, उन पर नजरें गड़ाए हैं। तो अब इस चोर का तारुफ सुनिए, नाम देवा यादव, जिसने सख्ती पुलिस की नाक में दम करके रख दिया था। 2 साल में 8 चोरी की वारदात की, वो भी सिलसिलेवार। पुरैना पारा का निवासी जो देवा यादव है उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको पकड़ कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने शक्ति नगर के 8 जगह पे चोरी करना स्वीकार किया। चोर की सुराग तलाशे जा रहे थे, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे थे। वारदात के वक्त ये ऐसा इलाका चुनता जहां अंधेरा हो, कितनी चोरियां की, कहां कहां की, ये भी सुनिए। ये जो दुर्गा टायर में चोरी हुआ था लगभग 2 साल पूर्व, 7 माह पूर्व जो रोहित अग्रवाल के घर में चोरी हुआ था, और दुर्गा टायर के बगल में जो किराना दुकान है वहां से भी चोरी हुआ था लगभग 12,000 का, MK इलेक्ट्रॉनिक्स और नरेश अग्रवाल जी के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से, शिव ऑटो पार्ट से और किसान बीज भंडार से और बंसल प्लास्टिक से जो चोरियां हुई थी वो उसको इस आरोपी ने अपने
कुबूलनामे में स्वीकार किया। आरोपी देवा यादव चोरी के रुपए से महबूबा को खुश करता, गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे तोहफे देता और पैसे खत्म तो जनाब फिर निकल पड़ते नई वारदात करने। इसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से होता था कि जब ये मुख्य मार्गों का प्रयोग ना करके खेत के रास्ते ही ऐसे मकानों को चुनता था जहां पे अंधेरा हो, और ऐसी जगह पर जहां जहां से हमको सीसीटीवी कलेक्ट हुए थे उस आधार पर इसकी पहचान की गई थी। और इसने ये स्वीकार किया है कि ये जितने भी पैसे चोरी के अपने पास रखता था उसको अपने प्रेमिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी में या फिर पार्टी करने के नाम पर इसे खर्च कर देता था। जो चोर खामोशी से शोर मचा रहा था अब वो जेल की सलाखों में कैद है। पता नहीं इसके दिमाग में अब कौन सी खिचड़ी पक रही है। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिस फुटेज से पुलिस की टीम उस नकाबपोश ज्वेल थीफ की तलाश कर रही थी जिस गैंग ने ताले तोड़े, रोशनदान से एंट्री की, जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। कैसे पड़ा ज्वेलरी शॉप में 25 लाख रुपए का डाका, ये लाइव देखिए तस्वीरें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लगभग 150 ग्राम सोना और 3 किलो के लगभग चांदी और 4.5 लाख रुपए नगद की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में ज्वेल थीफ साफ नजर आ रहे हैं। वक्त पर गौर करिए, सुबह के 5 बजे ज्वेलरी शॉप का वो फुटेज है जब अंदर नकाबपोश चोर तलाश कर रहे हैं रुपए और जेवर पार करने की। सूरजपुर के कोतवाली थाना इलाके की इस ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने धावा बोला, 3 नकाबपोश बदमाश। अब दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में कपड़े में बदमाश नकदी और जेवर रख रहा है। आखिर ये नकाबपोश गैंग किसकी है, आरोपियों ने कैसे शॉप में एंट्री की? इसमें विकास ज्वेलर्स भैयाथान रोड, इन्होंने अभी सुबह थाने पे आकर शिकायत की है कि उनके ज्वेलर्स की शॉप से बड़े सवेरे के लगभग चोरी हुई है जिसमें लगभग 150 ग्राम सोना और 3 किलो के लगभग चांदी और 4.5 लाख रुपए नगद की चोरी हुई है। जिस तरह से वारदात की गई उससे ये लग रहा है कि शॉप की पहले रेकी की गई थी, यानी कहां से एंट्री करना है, कहां से बाहर जाना है। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ज्वेलरी शॉप के पास निर्माणाधीन मकान बना था, रोशनदान से चोर वहां पहुंचे। उसके बाद बदमाशों को ये पता था ज्वेलरी शॉप में कैसे दाखिल होना है, ग्रिल को तोड़कर दुकान के अंदर घुसे। सीसीटीवी से कुछ दिखाई दे रहा है कि लगभग 3 लोग आए हैं, उनके यहाँ पीछे मकान था निर्माणाधीन, उसमें राड लगे हुए बिना एक रोशनदान था जिसमें सरिया वगैरह नहीं लगे थे, जाली नहीं लगी थी, उसमें से घुसना प्रतीत होता है। और वहाँ से घुस के जो उसके निर्माणाधीन मकान में कोई दरवाजे नहीं थे वहाँ से आ करके और उन्होंने ज्वेलर्स वाले एरिया का ग्रिल गेट तोड़ा है और वो सुबह सुबह उस तरह की चोरी हुई है। टूटे ताले भी गवाही दे रहे हैं। 25 लाख के सोने के जेवर और नकदी पार करके ये गिरोह फरार हुआ। अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, मोबाइल लोकेशन से भी सुराग तलाशे जा रहे हैं, टावर डंप वगैरह निकाले जा रहे हैं और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं जो संबंधित हो सकते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। समझा ये जा रहा है कि जानकार लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। क्या कोई लोकल का गैंग है जिसका इस वारदात में हाथ है? क्या कोई इस वारदात का राजदार है? तफ्तीश जारी है। सूरजपुर में वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीट गहरे बोरवेल में फंसे बकरे के लिए शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। जबलपुर में चाचा ने की भतीजे की हत्या, घटना के बाद से आरोपी चाचा फरार।